नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं इडली बनाने जा रही हूँ तो इडली तो हर कोई बना लेता है लेकिन सबसे मेन बात होता है इडली का बैटर बनाना जब हमारी इडली की बैटर ही अच्छी बनेगी तभी हमारा इडली बिल्कुल सॉफ्ट और रुई के जैसे बनेगा तो इसके लिए मैं आप लोग को तीन टिप्स बताऊंगी जिससे आपके इडली एकदम सॉफ्ट रुई के जैसे बनेगी और इडली तो हर कोई बना लेता है इसे बनाना आसान है लेकिन जब तक हमें बैटर सबसे अच्छा बनाने नहीं आएगा तब तक हमारी इडली अच्छी नहीं बनेगी सॉफ्ट नहीं बनेगी तो कई लोग बनाते हैं लेकिन इडली सॉफ्ट नहीं बन पाती है तो आज मैं आप लोगों को तीन टिप्स बता रही हूँ जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपकी इडली बिल्कुल सॉफ्ट एकदम रूई जैसे बनेगी तो चलिए पहले हम इडली का बैटर बनाते हैं फिर उसके बाद मैं आप लोग को इडली भी बना के दिखाऊंगी कि हमारी इडली कितनी सॉफ्ट बनी है तो चलते हैं बैटर बनाने इडली का बैटर बनाने के लिए हमने लिया है उड़द दाल तो हम एक गिलास उड़द दाल लिए हैं इस गिलास से हम चावल भी लेंगे तो जो घर में हमारी नॉर्मली चावल होती है हम वही वाली लेंगे आप मोटी चाहे पतली कोई सा भी ले सकते हैं चाहे उसना चाहे हरवा कोई सा भी ले सकते हैं तो मैं तीन गिलास चावल और एक गिलास उड़द दाल ली हूँ तो इधर उड़द दाल को अब मैं धोऊँगी तो हमें धोना भी इस तरह से है बहुत ही ध्यान से धोना है तो जिससे हमारी बस धूल मिट्टी ही इसमें से साफ़ हो पाए हो जाए हमें इसे रगड़ के नहीं धोना है बिल्कुल भी नहीं अगर हम इसे रगड़ के धो देंगे तो फिर हाँ, ये जो स्टार्च इस है इसके निकल जाएंगे तो इसलिए हमें सिर्फ नॉर्मली एक एक पानी धोना है और रगड़ना बिल्कुल नहीं है तो हमने इसे अच्छे से मतलब धो लिए हैं हल्के हाथों से अब इसके पानी को हम निकाल देते हैं और फिर हम इसमें दूसरा पानी डाल के और इसे भीगने के लिए रख देंगे तो इसे मतलब पाँच छः घंटा तक हम भिगने के लिए रख देंगे तो हो जाएगा तो इधर मैंने इसमें पानी डाल दिया है अब हम इसे एक साइड रख देते हैं भिगने के लिए इसी तरह मैंने चावल को भी अच्छे से धो लिया है चावल को आप अच्छे से रगड़ के धो सकते हैं और फिर इसे भिगने के लिए रख दीजिएगा तो हमारे दाल और चावल दोनों ही बढ़िया से भीग गए हैं तो अब मैं इसका जो हमारा दाल का पानी मैं निकाल देती हूँ और इस पानी को हमें फेंकना नहीं है हम इस पानी को रखेंगे हम इसी से दाल को और चावल दोनों को हम पीसेंगे हम दूसरा पानी यूज़ नहीं करेंगे तो हमें जितना पानी लगेगा हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही पहले पीसेंगे क्योंकि पेस्ट हमको गाढ़ी पेस्ट चाहिए तो इधर देखिए हमारी दाल पीस गई है और एक बात को और ध्यान देना है सबसे पहले हमें दाल को पीसना है उसके बाद चावल को हम पीसेंगे तो इधर दाल हमारी पीस गई है अब मैं चावल को पीसती हूँ तो चावल में भी हम वही वाली जो दाल वाली पानी है उसी को यूज़ करेंगे जिसमें हमने दाल को भिगाया था तो इधर देखिए हमारी चावल भी पीस गई है चावल को भी हम थोड़ा दरदरा पीसेंगे और इतना पानी हमारा बचा हुआ है तो हम पानी को अभी रखेंगे फेंकेंगे नहीं अगर हमारी जो इडली का बैटर है बहुत गाढ़ी होगी तो हम इसमें डाल तो इधर हम पेस्ट को देख लेते हैं तो देखिए पेस्ट हमारी अभी गाढ़ी है तो पहले हम इसे फेंटेंगे तो हमें इसे इतने अच्छे से फेंटना है जब तक इसमें बबल्स ना आ जाए तब तक हमें इसे फेंटना है तो एक फेंटने वाली मशीन आती है आप उससे फेंट सकते हैं मेरे पास वो मशीन नहीं है तो मैं तो हाथों से ही फेंटती हूँ फेंटने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लीजिए तो हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है तो देखिए मैंने बहुत देर तक फेंटा था इसे तो इसमें देखिए आप बबल्स आने लगे हैं और पेस्ट ना हल्के हो गए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पेस्ट हल्के हो गए हैं बबल्स आने लगे हैं तो मतलब आपका जो इडली का बैटर है वो अच्छे से फिट गया है तो अब इसे हम ढक के रख देते हैं और ये जो पानी बचा है हमें पानी का यूज़ नहीं हुआ तो मैं इसे फेंक दूँगी तो इधर ये अब हम मुझे मैं सवेरे इडली बना रही हूँ तो ये सवेरे का टाइम है तो मैं दो तीन घंटे पहले ही इसमें सोडा और नमक मिला के रख दी थी आप तुरंत मिला के सोडा मत बनाइएगा नहीं तो आपकी इडली ना पूरा रेड रेड हो जाएगा तो अब हम इसमें सांचे में आपको बना के दिखाते हैं हमारी इडली कितनी सॉफ्ट बनी है बहुत ही अच्छी बनी है देखिए बिल्कुल भी ब्रेड के सामान एकदम सॉफ्ट बनी है आप देख ही पा रहे होंगे पूरे इसमें जाली जाली पड़े हुए हैं इडली में आगे पीछे दोनों तरफ जाली पड़े हैं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं आप अगर इसी तरह से बनाएंगे इडली तो आपकी इडली बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे बहुत ही अच्छे बनेंगे और ये नॉर्मली एकदम घर के ही चावल और दाल से बना हुआ है चावल से बना है मोटी चाहे पतली वाली से अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा लाइक तो बनता है तो फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद